मार्तन क्रमांक दो में विकलांग शिविर लगाकर बच्चों के विकलांग कार्ड बनाए गए। रीवा के मार्तन क्रमांक दो में जनपद पंचायत रीवा, नगर निगम रीवा और नगर पंचायत गोविंदगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिविर लगाया गया। इस शिविर में काफी तादाद में दिव्यांग बच्चे पहुंचे। सामाजिक न्याय विभाग के बैनर तले इस शिविर में डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी, जिन्होंने बच्चों की जांच की, उसके बाद उनके विकलांग सर्टिफिकेट बनाए। इस सर्टिफिकेट के बन जाने के बाद इन विकलांग बच्चों को वह सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रही थी। इस शहर में उपस्थित बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था काफ़ी तादाद में बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए हैं। मेडिकल बोर्ड की उपस्थिति ने उनका यह काम काफ़ी आसान कर दिया। इस बारे में हमने रीवा जनपद की ब्लॉक ऑफिसर सुरभि दुबे से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमको क्या कुछ बताया। दिव्यांग शिविर है, सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसमें जनपद पंचायत रीवा और नगर निगम रीवा के सम्मिलित दिव्यांग जनों को बुलाया गया है, जिनके की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जिनका प्रमाण पत्र बनेगा और उसके बाद उनको दिव्यांगों को दी जाने वाली शासन की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी हो रहे हैं लगातार, बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स आए हैं यहाँ से मेडिकल बोर्ड का। ये शाम को 4 बजे तक चलेगा, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।